चटपटी अचार तो सभी को पसंद होते हैं, कितना भी सब्जी अच्छी अच्छी बन जाए, लेकिन अचार का एक अलग ही रोल होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाले हैं लाल मिर्च का अचार, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसको बनाने का जो मेज़रमेंट है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। कुछ भी ना ज़्यादा होगा ना कम होने वाला है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो लाल वाले मिर्च, और ये एकदम लाल वाली, एकदम फ्रेश, कितने अच्छे से टाइट टाइट से लग रही है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो चलिए इसको हम वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अब बाहर से आई है मार्केट से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे धूल गंदगी आराम से चिपके होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम धो लेंगे और एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको वॉश करेंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर सुखाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको धो रहे हैं, और कैसे धोना है वो भी आप देख सकते हैं। 1 किलो का बना रहे हैं हम, तो 1 किलो के अनुसार आपको बताएंगे हम इसमें कितने कितने मसाले ऐड करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको हम धो लेते हैं। और धोने का काम और बनाने का काम अलग अलग दिन पे होता है, जैसे कि आज इसको हम धो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम इसको बनाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए धोने के बाद इसको हम सुखा लेते हैं धूप में। धूप में इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी भी नमी रही ना तो अचार तुरंत ख़राब हो जाते हैं और फंगस लग जाते हैं और टेस्ट भी कड़वा सा हो जाता है। तो इसको अच्छे से सूखने के लिए हमें थोड़ा सा कड़क वाली धूप चाहिए। तो एक दिन हमने इसको छोड़ दिया धूप में, तो पहले तो हम डाल लें तब तो छोड़ेंगे, तो डाल लेते हैं उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम बताएंगे आपको कि हम कैसे बनाने वाले हैं। अब इन मसालों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले दिखा दें आपको कि हमारा जो मिर्च है वो सूख चुकी है, और सूखने के बाद जो उसका थोड़ा सा टाइटपन है वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, सूखेगा, धोएंगे, सूखेगा, उसके बाद थोड़ा सा कलर तो बदलाव आता ही है। तो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाले को पीस करके रेडी करना होगा। ट्रेडिशनल मसाले का अपना ही एक स्वाद होता है, और ये जो गांव में बनते थे बहुत ही टेस्टी से अचार बनते थे। यहाँ पे हमने 25 ग्राम लिया हुआ है धनिया, और उतना ही हम 25 ग्राम पचफोरन लेंगे। पचफोरन में हम आपको बता दें क्या क्या होता है इसमें। मेथी होता है, सौंफ होता है, कलौंजी होते हैं, इसमें थोड़े से अजवाइन होते हैं। तो इस तरीके से 5 मसालों का मिश्रण जो होता है वो होता है क्या, पचफोरन। तो ये है 25 ग्राम पचफोरन, और ये है पीला सरसों। अचार में पीले सरसों का है इस्तेमाल करें, 50 ग्राम पीला सरसों। ध्यान रखिएगा, पचफोरन 25 ग्राम, धनिया 25 ग्राम, और आपका जो सरसों दाना होगा पीला वाला वो 50 ग्राम होना चाहिए, जब आप 1 किलो अचार बना रहे हो तो। इसके बाद इसमें कुछ जीरा भी ले लेते हैं, जीरा भी हम 25 ग्राम ही रखेंगे। सबसे ज़्यादा हम अब तक लिए हैं सरसों, और इसको हम मिर्च का अचार है लेकिन इसको तीखा भी तो करना ज़रूरी है। अचार कैसा लगेगा कि अचार है जब तक चटपटा ना रहे। तो यहाँ पे हम करीबन 25 ग्राम के अनुसार, या अपने तीखा के अनुसार आप सूखी लाल मिर्च को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खूब सारी लाल मिर्ची ली हुई है। सारे मसाले को हम पीसने वाले हैं, वो भी पाउडर। अब एक और है जो बहुत टेस्टी बनाता है अचार को, ये है आम चूर्ण। आम चूर्ण हमने 1 पाव यानी 250 ग्राम लिया हुआ है, और ये आम चूर्ण डाल करके जो अचार बनती है ना वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और स्वादिष्ट तब लगती है जब इसकी क्वांटिटी अधिक होती है आपके अचार के, और मसालों के ज़्यादा, मसालों से ज़्यादा इसमें हमें आम चूर्ण चाहिए। हमने 250 ग्राम लिया है आम चूर्ण, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और ये आम चूर्ण आप घर पे भी बना सकते हैं, सूखे आम को, जो कच्चा आम होता है उसको आप धूप दिखा दे फिर पीस लीजिए। और अब इसमें जाएगा हल्दी भी, तो यहाँ पे हमने लिया है 15 ग्राम हल्दी पाउडर, बहुत कम, ज़रा सा, सिर्फ कलर लानी है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। अब हम सारे मसाले को अलग अलग पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पीला सरसों पीस लिया, धनिया और जीरा को हमने एक साथ ही पीस लिया है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी कम कम थी तो एक साथ ही ऐड करके उससे हमने पीस लिया है। यह है धनिया और जीरे का पाउडर। ये गया इसमें पचफोरन,
लाल मिर्च पाउडर, जो हमने लाल मिर्च लिया था उसको पीस लिया, वो भी डाल दिया, पचफोरन भी डाल दिया। ये आपका हल्दी पाउडर चला गया इसमें। पहले इनको हम अच्छे से मिक्स कर ले साथ में। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं आमचूर्ण। आमचूर्ण का एक अपना ही स्वाद होता है, वो चाहे सब्जी में जाए, वो अचार में जाए, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी हमने आमचूर्ण की रखी है, और यही आप रखिए तो बहुत स्वादिष्ट होगा ये। स्वाद अनुसार आपको नमक ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमने 6 से 7 चम्मच लिया हुआ है नमक, और आप अपने मसाले और अचार अकॉर्डिंग ही, मिर्च अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा, एज पर टेस्ट। कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम खाना पसंद करते हैं। सारी चीज़ों को जब हमने मिक्स कर दिया है, तो अब हम डालते हैं इसमें 500 ml यानी आधा लीटर सरसों का तेल। सरसों के तेल को गरम नहीं करेंगे हम, वो सरसों का तेल गरम किया जाता है, जो गांव का सरसों का तेल जो है वो ओरिजिनल तेल आता है, तो उसको गरम करने की आवश्यकता होती है। अगर उसको आप गरम नहीं करेंगे तो अचार बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन आजकल तो ऑलरेडी मिलावटी सरसों का तेल मिल रहा है, तो उसको गरम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मिश्रण को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब आप सोचेंगे इतने कम तेल में अचार बनेगा, तो नहीं, ये सिर्फ अचार मसाले को हमने बाइंड करने के लिए, इसका मिश्रण तैयार करने के लिए आधा लीटर तेल डाल दिया है। मसाले तैयार हैं अब, तो चलिए अब हम मिर्च का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। पहले इसके कैप को अलग करेंगे, फिर इसके जितने बीए अंदर भरे हुए हैं उन्हें हम निकालेंगे। एक भी बिया नहीं छोड़ेंगे हम अंदर में, सारे को निकाल लेंगे। अब आपको ये जो बिया निकला हुआ है, ये कैप तो आप फेंक देंगे, लेकिन जो बिया निकला हुआ इसको फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले सारे को हम निकाल के रख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम अचार बनाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से या कोई स्पून ले लीजिए, या कटर स्पून से भी हो सकता है, या नाइफ की सहायता से भी बीच वाले को बड़ा इजीली निकाला जा सकता है। इसको डाल दीजिए और इसको गोल गोल घुमा दीजिए, तो वो जड़ के एरिया से कट जाता है, तो आराम से निकल आता है। तो ये सारे बीए तो हमने निकाल लिए हैं, और ये जो कैप आप देख रहे हैं, अब इसको एक एक बीन करके हम बाहर कर देंगे। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले हम, लेकिन आप चाहें तो इसका अलग से भी, बहुत लोग बहुत चीज़ें फेंकना पसंद नहीं करते, तो आप इसके थोड़े मसालेदार चटपटी से लहसुन वगैरह डाल के भी सब्जी बना सकते हैं, मतलब मसाले भुजिया टाइप में अच्छी लगती है वो। तो ये है तैयार, और एक बच गया, इसको भी हटा लेते हैं। अब जो मिश्रण हमने मसाले का तैयार किया है, उसे मिश्रण में हम इसमें डाल देते हैं मसाले। कैप को जितना फेंकने की कोशिश कर रहा है वो बीच में आ जा रहा है। ये पूरा बीच वाला बिया हमने डाल दिया, और अब इसको साथ में ही मसाले में मिक्स कर लेते हैं। फेंकना नहीं है, मसाले में मिक्स करके बनाएंगे ना, तो जो लाल मिर्च का जो तीखापन है ना, वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि तीखा तो हमें अचार तो तीखा ही चाहिए, और लाल मिर्च का अचार, ये पता कैसे चलेगा जब उसके बीए को ही फेंक देंगे हम। तो हमें लगना तो चाहिए खाने के बाद कि हम लाल मिर्च वाली अचार खा रहे हैं, और वो कब लगेगा, जब इसके बीए भी साथ में होंगे, मतलब वो जिस तरीके से प्रकृति से निकल के आया तो उस तरीके से बनेगा, तो ही अच्छा लगेगा। बस उसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि बीए को हमने भले निकाला, लेकिन मसाले में इस्तेमाल करेंगे, और ये जाएगा अंततः वहीं पर जहाँ से इसको निकाला गया था, यानी बीच में। सारे मसाले को हम भर लेंगे, और जब पूरे मसाले हम भर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक एक मसाले को भी तेल में लगा लगा के रख लेंगे, तो इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो सारे मसाले हमने भर लिया इस तरीके से, अच्छे से प्रेस कर करके भरिएगा, ज़रा से एक भी कोना बचे ना। उसके बाद एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लीजिए, और इस ऑयल में हल्का हल्का इसको डिप डिप करके, और इसमें हम एक शीशे की जार में ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरे बर्तन में रखेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा ये। तो ऐसे ही सारे को हम भर लेते हैं, उसके बाद तेल में डिप डिप करके वो एक शीशे की जार में रख लेते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि फिर क्या करने वाले हैं।
ये पूरा हो गया है। अब जो कटोरी में रह गया था तेल, उसको भी हम ऊपर से डाल लेते हैं। और अचार तो बिना तेल का कोई अचार नहीं होता है, अचार को तेल ही चाहिए होता है पकने के लिए। तेल और धूप से ही अचार पकते हैं, तो हमने धूप को तो हमें दिखाना ही है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें भर भर के तेल भी चाहिए होगा। 500 ml हमने तेल ऑलरेडी मसाले के चूर्ण में इस्तेमाल कर लिया है। अब 500 ml तेल हम इसमें और डालेंगे, यानी 1 किलो लाल मिर्च में 1 लीटर हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमारा टेस्टी वाला अचार बनेगा। और ये सालों भर, सालों दर साल जो है, चार 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 पाँच पाँच साल गांव के अचार रह जाते हैं, क्या आपको मालूम है, एकदम खराब। अब बचे हुए जो आधा लीटर तेल थे, वो भी हमने इसमें डाल लिया है। तेल और धूप ही अचार को पकने के लिए चाहिए होता है, इसलिए गांव में बहुत ज़्यादा समय तक अचार चलते हैं, क्योंकि अच्छे विधि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको हम 24 घंटे या 48 घंटे धूप में रखेंगे। पूरे 48 घंटे के बाद कुछ ऐसा अचार बन करके आपका तैयार होगा। इसमें अच्छे से तेल पड़ी थी, अच्छे से धूप में 48 घंटे। 48 घंटे के आने का मतलब है कि 2 दिन हमने पूरा पूरा धूप इसमें दिखाया है, तब जाके टेस्टी वाला अचार बन करके तैयार हो गया है।